ट्रंप ने पहली तकरीर में जंगें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फ्लोरिडा के पाम बीच पर खिताब में बोले, अमरीकी आवाम ने गैर मामूली मैंडेट दिया, कोई नई जंग शुरू नहीं करूँगा बल्कि जंगों का खात्मा करूँगा, अपनी सरहदों को सील करेंगे। अब अमरीका में जो भी आएगा कानूनी तरीके से आएगा, अमरीका अब नई बुलंदियों पर पहुँचेगा। मुत्तहिद अमरीका ही तमाम मसाइल का हल है, अमरीका को महफूज मजबूत और खुशहाल बनाऊँगा, अमरीका को दोबारा आजीब बनाएंगे। रिपब्लिकन वोटर्स का ट्रंप की जीत पर शानदार जश्न, अमरीकी सदर जो बाइडन और कैमला हैरिस की ट्रंप को मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब, दारुलहुकूमत रियाद में आर्मी चीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शाही महल आमद पर वलीअहद ने आर्मी चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन अवान, दिफाई और सिक्योरिटी तावन मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा, सऊदी रॉयल आर्म फोर्सेज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में चीनी सफारतखाने आमद, चीनी सफीर से मुलाकात में कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मसम्मत। वज़ीर आज़म के जिम्मेदारों को जल्द गिरफ्त में लेकर उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा, वाकई में जख्मी होने वाले चीनी शहरियों की सेहत बेहतर हो रही है। चीनी शहरियों पर हमला पाक चीन बिरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अवली तरजीह है।